कलेक्टर जिला कलेक्टर एमएलए की भी स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द फिल्मी तड़का पर। तो दोस्तों आज हम एक बार फिर से लेकर आ चुके हैं साउथ के टॉप 8 बेस्ट सस्पेंस मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर एक्टिविटी बेस्ड मूवी, जिनकी स्टोरी लाइन में आपको यूनिक कॉन्सेप्ट वाली मूवी देखने को मिलने वाली, और साथ ही साथ ये सभी मूवीज आपको सस्पेंस की कमी बिल्कुल ही महसूस नहीं होने देगी। और आज के वीडियो की सबसे अच्छी बात यह है कि आज हम आपको जितनी ही मूवीज के बारे में बताएंगे उन सभी मूवीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, तो एक बार जाकर चेक जरूर करें। तो अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी लगातार वीडियोस का अपडेट पाते रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। तो दोस्तों हमारी आज के वीडियो में नंबर 8 की प्लेस पे जो मूवी आती है वह साल 2023 की रिलीज एक मास्टरपीस एक्शन थ्रिलर एक्टिविटी बेस्ड मूवी होने वाली है। जहां दोस्तों इस मूवी का नाम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन और इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग 8.2 है आउट ऑफ 10, जो बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मानी जाती है। यह एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है जिसे हिंदी में भी सेम नाम से रिलीज किया गया। बात करें फिल्म की कहानी की तो इसमें अभी नाम के एक साइड एक्टर के बारे में दिखाया गया जो अपनी लाइफ में मेन एक्टर बनना चाहता, हालांकि पैसों की कमी की वजह से वह अपनी गर्लफ्रेंड की कंपनी को ज्वाइन कर लेता है। लेकिन फिल्म की कहानी में ट्विस्ट आता है जब अभी किसी रीजन के चलते नीरो नाम के बहुत ही क्रिमिनल को धमकी दे देता है कि वह उसे जान से मार देगा, तो अभी की लाइफ एक नया मोड ले लेती है। अब आगे फिल्म में देखना यह होता है क्या अभी अपनी लाइफ में मेन एक्टर बन पाता है नहीं, और एक बार वह नीरो जैसे बड़े क्रिमिनल को धमकी क्यों देता है, यह सब चीज जानने के लिए आप एक बार फिल्म को ट्राई जरूर करें। देखा जाए तो दोस्तों इस मूवी की स्टोरी आपको आजकल की बाकी मूवी से यूनिक देखने को मिलने वाली है, तो इसे बिल्कुल मिस ना करें। और तो दोस्तों अगर आप एक साउथ की एक्शन थ्रिलर के साथ कॉमेडी मूवी देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। और अगर आप मूवी देखना चाहते हैं तो इस मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बार जाकर चेक जरूर करें। दोस्तों नंबर 7 की प्लेस पे जो मूवी आती है वह 2023 की रिलीज एक मास्टरपीस सस्पेंस ड्रामा एक्टिविटी बेस्ड मूवी होने वाली है। जी हां दोस्तों इस मूवी का नाम है 12th मैन और इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग 7 है आउट ऑफ 10। यह एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी है जिसे हिंदी में भी सेम नाम से रिलीज किया गया है। फिल्म की कहानी में हमें कुछ यंग लड़कों की बैचलर पार्टी के बारे में दिखाया गया जिसमें एक रहस्यमयी फोन कॉल होता है और उसके बाद एक लड़के की मौत हो जाती है। हालांकि फिल्म की कहानी में ट्विस्ट आता है जब कुछ पुलिस ऑफिसर इस मिस्ट्री से भरे मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो उस बैचलर पार्टी में मौजूद 12 लड़कों की जिंदगी पूरी तरीके से खतरे में आ जाती है। अब आगे मूवी देखने जाओ तक आखिर वह रहस्यमय फोन कॉल कौन करता है और इवन क्या पुलिस इस मिस्ट्री को सॉल्व कर पाती है नहीं, यह सब चीज जानने के लिए आप एक बार इसमें को ट्राई जरूर करें। देखा जाए दोस्तों इस मूवी आपको कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल जाएंगे, और तो और दोस्तों इस मूवी आपको कुछ ऐसे भी ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं जो आप यह मूवी देखते टाइम बिल्कुल भी गेस नहीं कर सकते। और अगर आप मूवी देखना चाहते हैं तो इस मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार जाके चेक जरूर करें। तो दोस्तों नंबर 6 की प्लेस में हमारी जो मूवी आती है वह साल 2023 की रिलीज एक खतरनाक पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर एक्टिविटी बेस्ड मूवी होने वाली है। जी हां दोस्तों इस मूवी का नाम है चावेर और इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग 6.8 है आउट ऑफ 10, जो ठीक ठाक रेटिंग मानी जाती है। यह एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी है जिसे हिंदी में भी सेम नाम से रिलीज किया गया है। फिल्म की कहानी में हमें 4 लोगों के एक ग्रुप के बारे में दिखाया गया जो एक मर्डर केस में इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से उनके पीछे पुलिस लगातार लगी होती है। हालांकि उन 4 लोगों के ग्रुप में से एक आदमी जख्मी होता है जिसकी वजह से वह एक मेडिकल के स्टूडेंट को उठा लेते हैं ताकि वह स्टूडेंट उस जख्मी आदमी की पट्टी कर सके। अब आगे मूवी में देखने या तो आखिर वह 4 लोग किस मर्डर केस में इन्वॉल्व होते हैं और इवन उन 4 लोगों का आगे क्या होता है, यह सब चीज जानने के लिए आप एक बार इसको ट्राई जरूर करें। हालांकि दोस्तों यह मूवी एक एवरेज मूवी होने लगी जो आपको थोड़ा बोर कर देने वाली, लेकिन इस मूवी में आपको कुछ ऐसे भी सीन देखने को मिलने वाले हैं जो आपको थोड़ा एंगेजिंग लगने वाला है। अगर दोस्तों आप साउथ की मूवी देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं तो यह मूवी आपको थोड़ा डिसअपॉइंट करने वाली, और अगर आप मूवी देखना चाहते हैं तो इस मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बार जाके चेक जरूर करें। हमारी आज की वीडियो में नंबर 5 की प्लेस पे जो मूवी आती है वह 2023 की रिलीज एक बेस्ट एक्शन थ्रिलर एक्टिविटी बेस्ड मूवी होने वाली है। जी हां दोस्तों इस मूवी का नाम है हिडिंबा और इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग 7.4 है आउट ऑफ 10, जो एक अच्छी रेटिंग मानी जाती है। एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है जिसे हिंदी में भी सेम नाम से डब किया गया है। फिल्म की कहानी में हैदराबाद के 2 पुलिस ऑफिसरों के बारे में दिखाया गया जो एक ऐसा केस इन्वेस्टिगेट करने में लगे होते हैं जिसमें एक के बाद एक कई सारे लोग गायब हुए जा रहे होते हैं। हालांकि वह पुलिस ऑफिसर जैसे जैसे इस केस को इन्वेस्टिगेट करके आगे बढ़ता है तो और भी कई सारे लोग गायब होने लगते हैं, लेकिन फिल्म की कहानी में ट्विस्ट आता है जब पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि सभी गायब होने वाले लोगों में एक कॉमन चीज है, तो यह केस उनके लिए और भी ज्यादा इजी हो जाता है। अब आगे मूवी में देखना है तो आखिर वह कौन होता है जो एक के बाद एक कई सारे लोगों को किडनैप कर रहा था, और इवन के अपने पुलिस ऑफिसर इस आदमी को पकड़ पाते हैं नहीं, यह सब चीज जानने के लिए आप एक बार उसमें को ट्राई जरूर करें। देखा जाए दोस्तों फिल्म की कहानी काफी अट्रैक्टिव होने वाली जो आपको एक बार नहीं बल्कि कई बार देखने पर मजबूर करती है। और तो और दोस्तों इस मूवी का क्लाइमेक्स आपको बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड देखने को मिलने वाला है, तो अगर आप मूवी देखना चाहते हैं तो इस मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार जाके चेक जरूर करें।
तो दोस्तों हमारी वीडियो नंबर 4 की प्लेस पे जो मूवी आती है वह 2022 की रिलीज एक बेस्ट एक्शन थ्रिलर एक्टिविटी बेस्ड मूवी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का नाम है मेरा और इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.1 है आउट ऑफ 10, जो ठीक ठाक रेटिंग मानी जाती है। यह एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी है जिसे हिंदी में भी सेम नाम से रिलीज किया गया है। फिल्म की कहानी में हमें एक गैंग के 12 लोगों के बारे में दिखाया गया जो अपनी वैन से कहीं ट्रेवल कर रहे होते हैं। हालांकि जब वह अपनी वैन में एक अनजान आदमी को पाते हैं तो वह उसे किडनैप कर अपने गाँव उठा लेते हैं। लेकिन फिल्म की कहानी में ट्विस्ट आता है जब उन 12 लोगों को उस अनजान आदमी के बारे में पता चलता है तो वह उसे छोड़ देते हैं, जिसके बाद वह अनजान आदमी उस सभी गैंग मेंबर की जिंदगी को बर्बाद कर देता। अब आगे मूवी में देखना है तो आखिर वह अनजान आदमी कौन होता और इवन अब उन गैंगस्टर की वैन में क्यों बैठता है, यह सब चीज जानने के लिए आप एक बार से ट्राई जरूर करें। देखा जाए तो दोस्तों यह एक ऐसी मूवी होने लगी जो आपको कई सीन पे या सोचने पे मजबूर कर देगी कि क्या यह सच में पॉसिबल है या नहीं। और अगर दोस्तों आप मूवी देखना चाहते हो तो इस मूवी का लिंक आपको वहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बार जाकर चेक जरूर करें। दोस्तों हमारी आज की वीडियो नंबर 3 की प्लेस पे जो मूवी आती है 2022 की रिलीज एक मिस्ट्री थ्रिलर एक्टिविटी बेस्ड मूवी होने वाली है। जी हां दोस्तों, इस मूवी का नाम है उन्हीं की और इस मूवी की IMDb रेटिंग 5 है आउट ऑफ 10। एक तेलुगु लैंग्वेज का मूवी है जिसे हिंदी में भी सेम नाम से रिलीज किया गया है। फिल्म की कहानी में शुभ नाम के एक IAS ऑफिसर के बारे में दिखाया गया जो करप्शन के खिलाफ आवाज उठाती है, जिसकी वजह से उसे कुछ लोग जान से मार देने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन फिल्म की कहानी में ट्विस्ट आता है जब सुबह अभी नाम के एक ऑफिसर से मिलती है और वह दोनों करप्शन से लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं, जिसके बाद उन्हें अपनी लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम सामना करना पड़ता है। अब आगे मूवी में देखना ही होता है कि वह लोग कौन होते हैं जो सुबह पे अटैक करते हैं और इवन के सुबह अभी के साथ मिलकर करप्शन को खत्म कर पाती है ना, यह सब चीज जानने के लिए आप एक बार इसमें को ट्राई जरूर करें। हालांकि दोस्तों इस मूवी की स्टोरी आपको जितनी सिंपल और नॉर्मल देखने में लग रही है उतनी बेहतरीन और धमाकेदार होने वाली है। और तो दोस्तों इस मूवी में आपको कई सारे बेहतरीन एंड मल्टी टैलेंटेड एक्टर देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने इस मूवी में काफी अच्छी एक्टिंग की है और इस मूवी को देखने लायक बनाया। तो अगर दोस्तों आप मूवी देखना चाहते हैं तो इस मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बार जाकर चेक जरूर करें। गाइज जब हमारी आज की काउंटडाउन है नंबर 2 की प्लेस पे जो मूवी आती है वह 2023 की रिलीज एक बेहतरीन क्राइम ड्रामा एक्टिविटी बेस्ड मूवी होने वाली है। जी हां दोस्तों, इस मूवी का नाम है कोड़ी महान और इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.7 है आउट ऑफ 10, जो एक ठीक ठाक रेटिंग मानी जाती है। एक तमिल लैंग्वेज की मूवी है जिसे हिंदी में भी सेम नाम से डब किया गया है। फिल्म की कहानी में एक मिडिल क्लास आदमी के बारे में दिखाया गया जो पूरी तरीके से शराब का आदी हो चुका है और उसकी पूरी जिंदगी में परेशानियां भरी होती है। लेकिन फिल्म की कहानी में ट्विस्ट आता है जब उस मिडिल क्लास आदमी के दोस्त उसकी शराब की आदत छुड़ाने के लिए एक आइडिया लाते हैं, तो वह आदमी अपने दोस्त आइडिया की वजह से और बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है। अब आगे मूवी में देख रहे हो तो आखिर वह मिडिल क्लास आदमी अपने शराब की आदत को कैसे छोड़ता है और इवन वो आदमी अपने दोस्त की आइडिया की वजह से कैसे प्रॉब्लम में फंस जाता है, यह सब चीज जानने के लिए आप एक बार इसमें ट्राई जरूर करें। दोस्तों अगर आप यूनिक कॉन्सेप्ट वाली मूवी देखने वालों में से तो यह मूवी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है, तो इसे किसी भी हाल में मिस ना करें। और तो दोस्तों यह मूवी आपको निराश होने का बिल्कुल ही मौका नहीं देने वाली। तो अगर आप मूवी देखना चाहते हैं तो इस मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बार जाकर चेक जरूर करें। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो नंबर 1 की प्लेस पे जो मूवी आती है वह 2023 की रिलीज एक बेहतरीन एक्शन क्राइम ड्रामा एक्टिविटी बेस्ड मूवी होने वाली है। जी हां दोस्तों, इस मूवी का नाम है उस्ताद और इस मूवी की IMDb रेटिंग 7 है आउट ऑफ 10, जो अच्छी रेटिंग मानी जाती है। एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है जिसे हिंदी में भी सेम नाम से रिलीज किया गया है। फिल्म की कहानी में हमें सूर्य नाम के एक लड़के के बारे में दिखाया गया जिसकी लाइफ में उस्ताद नाम की एक बाइक आती है और वह उस बाइक से कुछ न कुछ नया नया सीखता रहता है। हालांकि फिल्म की कहानी में ट्विस्ट आता है जब सूर्य अपनी लाइफ में पायलट बनने की ठान लेता है, जिसके बाद उसे अपनी लाइफ में कई सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अब आगे मूवी में देखना होता है कि आखिर सूर्य पायलट बन पाता है नहीं और इवन अपनी बाइक का नाम उस्ताद क्यों रखता है, यह सब चीज जानने के लिए आप एक बार ट्राई जरूर करें। अगर दोस्तों आप एक बेहतरीन स्टोरी लाइन के साथ मस्त स्क्रीन प्ले वाली मूवी देखना चाहते हैं तो इस मूवी को मिस करने के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। और अगर दोस्तों आप मूवी देखना चाहते हैं तो इस मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बार जाकर चेक जरूर करें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की साउथ की टॉप 8 बेस्ट सस्पेंस मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर एक्टिविटी बेस्ड मूवी, जिनकी स्टोरी लाइन में आपको यूनिक कॉन्सेप्ट वाली मूवी देखने को मिलने वाली। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो।